Hello and welcome to Kids Haven Public School online classes. My dear grade 11 students, from our book of snapshot, chapter number 5, Mother's Day. We began the story. This is the part 2 of the story. In the first part, we have understood that Mrs. Pearson is a mother and a housewife. But she works all day, all week, all month. And her family members do not appreciate her work. They don't even talk to her in a nice manner. They just order her for everything. Now she has a friend who is really worried about her. And her friend plans and plays a trick in which their body is exchanged. Mrs. Pearson jo hai, theek hai, wo ek housewife hai, ek mother hai, lekin unke ghar mein koi bhi unki value nahi karta, unhe achche se baat nahi karta. Ab unki ek friend hai, मिसेस फिट्जेरल्ड, ठीक है, और उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता. वो अपने फॉर्चून टेलर हैं वो, सो वो अपने ट्रिक से एक मंत्र पढ़ती हैं और दोनों का शरीर बदल देती हैं. ठीक है, सो आगे अब हम ये देखेंगे कि जो मिसेस पियर्सन असली वाली बहुत चुपचाप और सीधी सी थी, बिल्कुल घर के सारे काम करती थी, बच्चों की बात मानती थी सबकी, अब वो मिसेस फिट्जेरल्ड बन चुकी हैं. और अब मिसेस फिट्जेरल्ड कैसे बिहेव करती हैं अपने उस फैमिली को ये समझाने के लिए कि वो भी कुछ हैं, उन्हें भी प्रेम चाहिए, उन्हें भी इज्जत चाहिए. ठीक है, सो अब हम ये कंटिन्यू करके देखते हैं कि आगे अब क्या होता है. सो मिसेस फिट्जेरल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट द डोर. लेफ्ट टू हरसेल्फ मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, लाइटिंग अनदर सिगरेट एंड बिगिन स्लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंट्स ऑन द टेबल. ठीक है, सो मिसेस पियर्सन जो असली वाली थी, अब वो चली गई हैं इनके घर, और जो अब मिसेस पियर्सन हैं वो मिसेस फिट्जेरल्ड है. ठीक है, सो अब कैरेक्टर जो है मिसेस फिट्जेरल्ड प्ले करेंगी मिसेस पियर्सन का. अब देखते हैं. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट. शी इज़ अ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली ट्वेंटीज हु वुड बी प्लेजेंट एनफ इफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड. कुछ लम्हे बाद डोरिस आती है. डोरिस जो है वो मिसेस पियर्सन की बेटी है. ठीक है, लगभग 20 साल की उम्र के आसपास है और बहुत प्यारी सी बच्ची होती अगर बिगड़ी हुई ना होती. स्पॉइल्ड का मतलब होता है बिगड़ी हुई. अब डोरिस क्या करती है, बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, मॉम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, आई मस्ट वेयर इट टुनाइट. शी नाउ सीज व्हाट इज हैपनिंग एंड इज अस्टाउंडेड. What are you doing? She moves down left center. अब ड्यूरिस घर में घुसते ही कहती है कि मॉम तुम्हें मेरी जो येलो सिल्क ड्रेस है उस पर इस्त्री करनी होगी, मुझे वो रात को पहननी है. लेकिन वो जो देखती है उसे वो हैरत में रह जाती है और वो पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो. मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस हर ऑर्डिनरी वॉइस बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसिसिव. अब जैसे मिसेस पियर्सन बड़े धीमी से बोलती थी, धीरे से, वैसी आवाज़ नहीं थी. ठीक है, कूल थी लेकिन स्ट्रिक्ट भी थी. बिना ऊपर देखते हुए कहती हैं, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, व्हाइट वॉशिंग द सीलिंग. तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं छत पे पेंट कर रही हूँ. डोरिस स्टिल अस्टाउंडेड, बट यू आर स्मोकिंग. अब डोरिस अभी भी हैरत में थी और कहती है, लेकिन आप स्मोक कर रही हो. ओके, दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर. कि बिल्कुल सही समझे तुम, उसके खिलाफ मतलब कोई लॉ तो नहीं है ना, ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना कि स्मोकिंग नहीं कर सकते. बट आई थॉट यू डिड नॉट स्मोक. पर मुझे तो ये लगा था कि आप स्मोकिंग नहीं करती हैं. देन यू थॉट रॉन्ग, तो तुमने गलत सोचा. आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या हमारी चाय किचन में, हम चाय किचन में पियेंगे. ठीक है, अब किचन्स में क्या होता है कि टेबल एंड चेयर्स होती हैं, सो सही से चाय पीते हैं, थोड़े स्नैक्स वगैरह खाते हैं. लेकिन मिसेस पियर्सन क्या कहती है, Have it where you like, dear. जहाँ चाहे पी लो. अब डोरिस को गुस्सा आने लगता है. Do you mean it isn't ready? क्या आपका मतलब है कि चाय तैयार नहीं है. Yours isn't. I have had all I want. Might go out later and get a square meal at the Clarendon. तुम्हारी तैयार नहीं है, मैंने पी ली है और मैं बाद में बाहर जाऊँगी खाना खाने Clarendon पे. Clarendon एक रेस्टोरेंट का नाम है. अब ये कहते हुए डोरिस को बहुत हैरत हुई, उसे यकीन नहीं आया जो उसने सुना. हु माइट, कौन जाएगा. ठीक है, जो माँ कभी घर से बाहर तक नहीं जाती थी वो कह रही है कि वो बाहर जाएंगी. आई माइट, हु डू यू थिंक, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है.
अब डोरिस अपनी माँ को घूरते हुए कहती है, मॉम व्हाट्स द मैटर विथ यू, अस्पर मॉम तुम्हें क्या हो गया है, डोंट बी सिली, ठीक है मिसेस पियर्सन अब जवाब देती हैं, डोरिस इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी, डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क। अब डोरिस जो बेटी है उसे बड़ा गुस्सा आता है, वो कहती है कि मैं पूरे दिन काम करके आई हूँ थकी हुई और तुम मेरे लिए चाय तक नहीं बना सकती, और तुमने सुना मैंने अपने येलो सिल्क के बारे में क्या कहा है। अब मिसेस पियर्सन कहती है नहीं, ठीक है कि पियर्स सिल्क के बारे में नहीं सुना, डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड, तुम्हें आज पसंद नहीं आ रहा कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, मुझे तो कभी भी पसंद नहीं आया था, ऑफ कोर्स आई लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टू नाइट सो आई वॉन्ट इट आयरन। अब डोरिस बात कर रही है येलो सिल्क ड्रेस की कि मुझे वो पसंद है और मैं उसे आज रात पहनूंगी, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि वो स्त्री हो जाए। वॉन्ट इट आयरन, वॉट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू आयरन इट सेल्फ, स्त्री हुई भी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है वो खुद ही अपने आप पे स्त्री कर लेगी, प्रेस कर लेगी। नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू, नहीं आप मेरे लिए उस पर स्त्री करोगी जैसे आप हमेशा करती थी, ठीक है। अब देखिए डोरिस का तरीका है बात करने का अपनी माँ से, वेल दिस टाइम आई डोंट एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू डोरिस पियर्सन। अब उसकी मदर कहती है कि खैर इस बार मैं नहीं करूँगी स्त्री, और मेरे साथ बकवास मत करो कि तुम बहुत मेहनती हो या काम करती हो, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है क्या करती हो डोरिस पियर्सन, तुम जितना टाइम लगाती हो उसका डबल मैं लगाती हूँ और मुझे उसके लिए कोई पेमेंट्स नहीं होती, कोई थैंक यू तक नहीं मिलता, और तुम येलो सिल्क क्यों पहनोगी, तुम कहाँ जा रही हो। सल्कली आउट विद चार्ली स्पेंस, मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन क्यों, डोरिस क्यों, क्यों व्हाट्स द मैटर विथ यू, व्हाई शुडंट आई गो आउट विद चार्ली स्पेंस इफ ही आस्क्स मी एंड आई वॉन्ट टू, एनी ऑब्जेक्शंस, गो ऑन यू माइट एज वेल टेल मी। अब डोरिस को गुस्सा आने लगता है कि क्यों तुम्हें हो क्या रहा है, अगर मुझे चार्ली स्पेंस चलने को कहता है एंड मैं जाना चाहती हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, कोई ऑब्जेक्शंस है, मतलब कोई आपत्ति है तुम्हें। मिसेस पियर्सन कहती है कैंट यू फाइंड एनी बॉडी बेटर, आई वुडंट बी सीन डेड विद चार्ली स्पेंस पक टीथ एंड हाफ विटेड। मिसेस पियर्सन कहती है क्या तुम्हें उससे बेटर कोई नहीं मिल सकता, ठीक है मैं तो अगर क्योंकि एज पर वो कुछ अच्छा दिखने में भी नहीं है, इंटेलिजेंट भी नहीं है, ठीक है आई वुडन बी सीन डेड, मतलब मैं तो इसे कब का छोड़ चुकी होती अगर मैं तुम्हारी जगह होती। ही इजंट, नहीं वो ऐसा नहीं। डोरिस कोशिश करती है चार्ली स्पेंस को डिफेंड करने की, मतलब उसके बारे में अच्छा बोलने की, लेकिन मिसेस पियर्सन कहती हैं व्हेन आई वाज योर एज आई हैड फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब, अगर जब मैं तुम्हारी उम्र की होती तो मैं कोई बेटर ढूंढती, चार्ली स्पेंस से ज़्यादा अच्छा लड़का ढूंढती, एल्स मैं ये छोड़ देती कि मुझसे अच्छा नहीं होगा। अब डोरिस बिल्कुल आंसुओं में आ गई थी, बड़े परेशानी में कहती है ओ शट अप। डोरिस बाहर चली जाती है, ठीक है, और मिसेस पियर्सन मस्ती में छोड़ हंसती हैं, ठीक है, और दोबारा सारे कार्ड्स इकट्ठे कर लेती हैं। After a moment, Cyril Pearson enters left. He is the masculine counterpart of Doris. अब कुछ पल बाद Cyril आता है अंदर। Cyril कौन है? Doris का भाई, ठीक है? Hello, mom, tea ready? वो आके एकदम कहता है, Hello, mom, चाय तैयार है? वो कहती है, No. Moving to the table, annoyed, वो टेबल के पास आ रहा होता है गुस्से में, क्यों नहीं? Mrs. Pearson काफी शांति से कहती है, I couldn't bother. मुझे टाइम नहीं लगा या मेरा मन नहीं किया या मुझे क्या फीलिंग ऑफ कलर समथिंग एज पर, जैसे कि क्या मूड ख़राब है या कोई ऐसी बात है। मिसेस पियर्सन कहती है नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, मुझे तो इससे ज़्यादा अच्छा कभी फील ही नहीं हुआ। व्हाट्स द आइडिया देन, फिर क्या है? जस्ट अ चेंज, बस एक बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ। अब सीरियल कहता है वेल स्नैप आउट ऑफ इट मा एंड गेट क्रैक इन, हैवंट टू मच टाइम। सिरिल कहता है चलो मॉम मॉम ये सब छोड़ो, इस सब को इससे में से निकलो और ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। सिरिल जाने लगता है जब मिसेस पियर्सन पूछती हैं, कह देती हैं उसे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है। अब सिरिल कहता है हाँ पर आई डोंट हैव, आई हैवंट, मेरे पास नहीं है, गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट,
मूविंग लेफ्ट टू द डोर डिड यू पुट माई थिंग्स आउट. वो कहता है कि हाँ ठीक है, पर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये रात रात में बहुत लंबी रात है और बहुत काम है मेरे पास और मेरा सामान रख दिया था. कैंट रिमेंबर बट आई डाउट इट, याद नहीं है लेकिन शायद नहीं रखा. अब सीरियल वापस टेबल के पास आके कहता है, नाउ लुक, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड, यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग. अब सीरियल आके कहता है कि जब मैंने सुबह कहा था तो आपने वादा किया था कि आप सामान देखोगे अगर कुछ फिक्स करने का या ठीक करने का है उसमें. अब पर्सन कहती है, यस, अब मैंने डिसाइड किया है कि आई डोंट लाइक मेंडिंग, अब मेंडिंग में कुछ फिक्स करने का है या सिलने का है. ठीक है, मिसेस पर्सन कहती है, अब मैंने फैसला किया मुझे पसंद नहीं है ये सब. दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, व्हाट वुड हैपन इफ यू ऑल टॉक लाइक दैट. अब सीरियल कहता है, ये अच्छा तरीका है बात करने का, क्या होगा अगर हम सभी ऐसे बात करें तो. अब मिसेस पियर्सन कहती है, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तुम सभी तो वैसे ही ऐसे ही बात करते हो. अगर घर पे कोई काम है जो नहीं करना चाहते तो तुम नहीं करते, अगर तुम्हारे काम की जगह पे कोई ऐसा काम है तो तुम यूनियन से रुकवा देते हो. सो जब अब जो हो चुका है मैंने भी वही शुरू कर दिया करना, मतलब कि जो नहीं करना है उसमें साफ मना कर देते हैं. सीरियल, आई डोंट गेट दिस मॉम, व्हाट्स गोइंग ऑन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मॉम, हो क्या रहा है. मिसेस पियर्सन कहती हैं, चेंजेस, लैकोनिक एंड सिनिस्टर. लैकोनिक का मतलब होता है बहुत कम शब्दों में जवाब देना, और सिनिस्टर जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है. सो वो कहती हैं, चेंजेस मतलब कि बदलाव. अब डोरिस वापस आती है, ठीक है, एंटर होती है. शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज़ नाउ वेयरिंग अ रैप, शी लुक्स पेल एंड रेड आइड. अब डोरिस आती है, ठीक है, वो तैयारी हो रही थी, उसने एक रैप बांध रखा था एंड बिल्कुल फीकी सी लग रही थी और आंखें लाल थी. मिसेस पियर्सन कहती है, यू लुक टेरेबल, आई वुडंट वेयर दैट फेस इवन फॉर 40 पेंस. बहुत बुरी लग रही हो, ठीक है, बहुत ख़राब कंडीशन में लग रही हो, और ऐसा चेहरा तो मैं तब भी ना बनाऊँ जब 40 पेंस सामने हो. डोरिस टेबल के पास आती है गुस्से में, ओ शट अप अबाउट 40 पेंस एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग. कि 40 पेंस के बारे में बात बंद कीजिए, और वैसे भी अभी मैं तैयार हो रही हूँ, पूरी हुई नहीं हूँ. एंड इफ आई डू लुक टेरेबल इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई. और अगर मैं बुरी लग रही हूँ तो आपकी गलती है, आपने मुझे रुलाया. वाई, व्हाट डिड शी डू. अब सीरियल उसका भाई वहीं खड़ा था, पूछता है क्यों, क्या क्या इन्होंने. डोरिस कहती है, कुछ नहीं, छोड़ो. अब मिसेस पियर्सन उठ रही थी किचन की तरफ जाने के लिए, हैव यू एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कैंट रिमेंबर. वो पूछते हैं कि क्या कोई स्टाउट बची है, तो मुझे याद नहीं है. अब सीरियल कहता है, बॉटल और टू आई थिंक, बट यू डोंट वॉन्ट स्टाउट नाउ. तो सीरियल बताता है कि एक दो बोतल बची हुई होगी, लेकिन अभी तो आपको स्टाउट नहीं चाहिए ना. मिसेस पियर्सन धीरे से चलते हुए कहती हैं, मुझे चाहिए. सीरियल पूछता है, कहे के लिए. ठीक है, अब इनको जो अपनी माँ में बदलाव दिख रहे हैं, ये बड़ी हैरत में आ रहे हैं वो बदलाव देखकर. ओके, सो वो पूछता है, कहे के लिए. अब मिसेस पियर्सन कहने के लिए, टू ड्रिंक यू क्लॉट, पीने के लिए और कहे के लिए. अब मिसेस पियर्सन बाहर चली जाती हैं. इंस्टेंटली सीरियल और डोरिस दोनों ही कन्फ्यूज हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ बड़े जल्दी जल्दी से बातें करते हैं. अब ये हम देखेंगे कि भाई बहन में क्या बात हुई है. हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, क्या तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसे बर्ताव किया. यस, ना चाय रेडी थी और उन्हें कोई फिक्र भी नहीं हुई. वेल, मुझे खुशी है कि हम दोनों के साथ ऐसा हुआ है, मुझे लगा मेरे से ही कोई गलती हो गई. मुझे भी ऐसा ही लगा, बट मतलब वो बदल रही हैं. वो स्मोक कर रही थी और कार्ड्स खेल रही थी जब मैं आई थी, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ देखकर. मैंने उनसे पूछा क्या उनका मूड ऑफ था, तो उन्होंने कहा नहीं. वेल, काफ़ी बदलाव आ गया, अलग सी लग रही हैं. एंड मुझे रोना उससे नहीं हुआ था, मुझे तो रोना इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मुझे कहा था और मेरे से बात की थी उस पर मुझे रोना आया था. मैंने ये सब नोटिस नहीं किया, वो मेरी तरफ ऐसे ही देखती हैं, वो मुझसे ऐसे बात नहीं करती थी. तुम्हें क्या लगता है, क्या उन्होंने अपना उनके चोट लग गई सर में, या उनके सर में कुछ हो गया, जैसे कि मतलब देखो यू नो इस तरह से डोरिस कहना चाह रही थी कि उसकी माँ को कुछ हो गया. सीरियल क्या कहता है, डू यू मीन शी इज़ मॉमी, तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें कुछ हो गया.
नो यू फैट हेड, यू नो कंकशन शी माइट हैव, नहीं जैसे कि उनके चोट लग गई या सर में खून जम गया, कोई चोट ज़्यादा लग गई तो इस वजह से शायद उनका दिमाग घूम गया, यू नो कुछ इस तरह से. तो ये दोनों बातें कर रहे थे आपस में कि इनकी माँ को हो क्या गया है, ठीक है. और यहाँ तक बोलते हैं कि अगर ये ऐसे ही रहें जब पापा आएंगे, डैड कम्स इन, फिर क्या होगा. अब ये दोनों इस बात पे सोचें कि अगर इनके फादर आए और ये दोनों ऐसे और मिसेस पियर्सन ऐसे ही बात करेंगी तो क्या होगा. खैर ये बात ही कर रहे थे जब मिसेस पियर्सन वापस आती हैं स्टेज पे कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट एंड हाफ ए फिल्ड ग्लास. सिरिल एंड रोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गुफाइंग एंड गिगलिंग बट दे आर नॉट क्विक इनफ. मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट. मिसेस पियर्सन जब एंटर होती है उनके हाथ में एक बॉटल ऑफ स्टाउट होती है और एक हाफ फिल्ड ग्लास होता है, ठीक है, कांच का ग्लास आधा भरा हुआ होता है. सिरिल और डोरिस अपनी जो बकवास कर रहे थे और धीमी धीमे हंस रहे थे रुकने वाले थे, लेकिन मिसेस पियर्सन ने उन्हें देख लिया और उन्हें अजीब सा यू नो गुस्से में सा लगा. तो कहती हैं फिर भी बड़ी शांत से, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बींग ग्रोन अप, वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज. शी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स डाउन. मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम दोनों हमेशा कहते हो कि बड़े हो गए, तो क्या कभी अपने उम्र के नहीं बन सकते. वो जाके सेटी पे मतलब सोफे पे बैठ जाती हैं. कैंट वी लाफ नाउ, तो क्या अब हम हंस भी नहीं सकते. हाँ इट इज़ इफ इट इज़ फनी, गो ऑन टेल मी, मेक मी लाफ, आई कुड डू विद इट. हाँ अगर कुछ मजाक का है तो हंसो, चलो मुझे भी बताओ, मुझे हंसाओ, मैं भी हंसना चाहती हूँ. यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड अवर जोक्स मॉम. तो कहते हैं कि अरे मॉम तुम कभी हमारे मजाक समझती ही नहीं हो, ठीक है. अब ये देखें यहाँ बैठी हैं मिसेस पियर्सन, ये है डोरिस एंड ये है सिरिल, ओके तीनों बैठे हुए हैं. अब देखते हैं वो मजाक बताते हैं. आई वॉज योनिंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस. उनकी माँ बताती है कि तुम्हारे जो जोक्स थे मैं तो उन पर मुझे उन पर जवाही आती थी, यू नो जब हम यौन करते हैं. डोरिस रोने पे उतर रही थी, फिर कह रही फिर उनसे पूछती है कि आप ऐसे क्यों बात कर रही हो, हमने क्या कर दिया. मिसेस पियर्सन, नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक व्हेन देयर इज नो वे एल्स टू गो. वो कहती हैं कि किया कुछ नहीं है, लेकिन अंदर आते हो कुछ मांगते हो फिर बाहर चले जाते हो फिर आते हो फिर कहीं चले जाते हो. सिरिल, लुक इफ यू वोंट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ. काफ़ी थोड़ा गुस्से में और बदतमीजी से कहता है कि देखो अगर आप चाय नहीं बनाओगी तो फिर मैं अपने खाने के लिए कुछ देख लेता हूँ. सिरिल बोलता है. अब वो कहती है क्यों नहीं, वाई नॉट, जाओ अपने लिए करो जो करना है. टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, माइंड यू आई थिंक इट्स अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे. सिरिल कहता है देख लो वैसे ये अच्छी बात नहीं है कि मैं पूरे दिन काम कर रहा था. डोरिस कहती है मैं भी. मिसेस पियर्सन बहुत धीमे से कहती है आराम से, दिन में कुल 8 घंटे. सिरिल कहता है हाँ हर रोज़ 8 घंटे, भूलना मत. मिसेस पियर्सन कहती है मैं अपने 8 घंटे कर चुकी हूँ. सिरिल कहता है कि वो अलग है. डोरिस मानती है कि हाँ वो अलग है. मिसेस पियर्सन कहती है वो अलग था अब नहीं. 40 hour week फॉर ऑल नाउ, जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माय 2 days ऑफ. कहती हैं कि नहीं डेली 8 घंटे काम करूंगी, ठीक है, एक हफ्ते में 40 घंटे काम करूंगी, और वीकेंड में जो कि सैटरडे संडे है मेरे दोनों दिन ऑफ होंगे, मतलब छुट्टी होगी. डोरिस और सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लांसेस, एक दूसरे को देखते हैं बड़े हैरत से और फिर अपनी माँ की तरफ घूरते हैं जो उन्हें बिना हैरत के बहुत ही आराम से देख रही थी. सिरिल कहता है मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप. कहता है कि मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ लेता हूँ, मुझे हिम्मत चाहिए होगी. एंड सिरिल निकल के किचन की ओर चला जाता है. डोरिस अपनी माँ के पास बैठती है और कहती है यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे. डोरिस कहती है इसका मतलब है कि आप सैटरडे और संडे पे कुछ काम नहीं करने वाली हो, ऐसा तो नहीं है. लेकिन मिसेस पियर्सन उन्हें जवाब देती है कि नहीं इतना भी नहीं है, एक दो बेड्स बना दूंगी, मतलब बेड बना दूंगी, और एहसान की तरह खाना बना दूंगी, मतलब कि मेरे लिए मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करोगे, जिस तरह से जो भी चाहिए बहुत प्यार से बात करोगे, और जब मिल जाएगा तो उसके लिए आप थैंक यू भी बोलोगे, ठीक है. एंड तुम में से जो भी मुझे बार बार ये ताने देगा कि 8 घंटे 8 घंटे काम किए, तो मैं भी यही सब करूंगी, ठीक है. और सैटरडे संडे पे भी मेरे साथ तुम लोग काम करोगे तो करोगे, नहीं तो मैं भी नहीं करूंगी, और मैं
वीकेंड पे कहीं घूमने भी चली जाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से मिसेस पियर्सन इनको जवाब देती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि आगे क्या होता है।